हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है परीक्षा बोर्ड की ग्रामर की सॉल्यूशन की, उसमें आज हम लेकर आए हैं सम और एनी का यूज़। तो पहले ये आप जो सामने चार्ट देख रहे हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि सम कहाँ यूज़ करेंगे और एनी कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि सम और एनी दोनों ही एडजेक्टिव कहलाते हैं, और आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव में ये डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं या क्वांटिफायर से कहलाते हैं। क्वांटिफायर से मतलब जो मात्रा बताते हैं, ठीक है। अब दोनों का यूज चूंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए नाउन से पहले होता है, और चाहे काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, उनके पहले हम सम या एनी का यूज कर सकते हैं। तो ये तो समानता हुई कि चाहे काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उनके लिए हम सम या एनी का यूज करते हैं। फिर असमानता क्या है, फिर हम अलग अलग क्यों लगाते हैं? तो ये मैंने चार्ट बताया है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव हो, यानी कि ये आप देख रहे हैं, तो आपको सम लगाना है। या फिर कई बार अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो लेकिन वो ऑफर है या रिक्वेस्ट है, कहने का मतलब ये है कि वाक्य भले ही प्रश्नवाचक हो लेकिन उसमें अगर सामने वाला ऑफर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर एनी नहीं आएगा, सम ही आएगा। तो दो यूज हो गए सम के, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेन इसका यूज है, और बाकी इंट्रोगेटिव कौन से, जिसमें ऑफर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑफर और रिक्वेस्ट आप कैसे पहचानेंगे, उस सेंटेंस में विल मौजूद रहेगा शुरुआत में, वुड रहेगा, ठीक है, कुड रहेगा, है ना, कैन रहेगा। तो ये कुछ पहचान है जिससे आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है या ऑफर है। अब देखिए, एनी मेनली जो इसका यूज है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी कि जिसमें नॉट मौजूद रहता है या फिर जिसमें हेल्पिंग वर्ब सामने होती है, जैसे डिड होगी हेल्पिंग वर्ब सामने, है ना, डू डज डिड, है ना, वाज वर इज एम आर, अगर ये हेल्पिंग वर्ब अगर सामने है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर आपको एनी लगाना है। या फिर सेंटेंस में अगर नॉट मौजूद है ना, और भी इसके अलावा हो सकते हैं। देखो, इसके चार प्रयोग है। अगर सेंटेंस में इफ मौजूद है तो भी हम एनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक इसका खास प्रयोग नीचे आप देख रहे हैं नेगेटिव फीलिंग के लिए, कि अगर सेंटेंस में नेवर शब्द मौजूद है, हार्डली शब्द मौजूद है, विदाउट शब्द मौजूद है, बेयरली, स्केरसली, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं, तो उनमें भी क्या लगेगा, एनी लगेगा। ये प्रयोग मैंने यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। इन्हीं प्रयोग के आधार पर हम खालिस्तान अब करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये मैंने परीक्षा बहुत से ही टाइप किए हैं, इस बार मैंने टाइप कर लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको वीडियो और अच्छा लगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास, देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक। देखिए, सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट नहीं है, ना ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या लगाएंगे हम, सम लगा देंगे, ठीक है। इसमें देयर आर सम पिक्चर्स इन दिस बुक, ठीक है, कि इस पुस्तक में कुछ चित्र हैं। अगला देखिए, प्लीज गिव मी, देखिए ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव का है, इसमें भी हम क्या लगा देंगे, इसमें भी हम लगा देंगे सम लगा देंगे, ठीक है। अगला देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखो सामने आ गए, डिड यू गो एनीवेयर इन लास्ट नाइट, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, मैं लगाना भूल गया हूँ, लेकिन आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ डिड है, हेल्पिंग वर्ब सामने आ गए, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या लगाएंगे आप, एनी लगाएंगे। अभी आपको बताया मैंने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, एनी आता है। अब आगे देखिए, अगला सेंटेंस हमारा अगला है, इफ यू हैवंट, देखिए नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि इसमें हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे, ठीक है, पहले वाले खालिस्तान में तो एनी आ गया। अब आगे देखिए, बात का जो सेंटेंस है उसमें कहीं पर भी नॉट नहीं है, इसमें हम लगा देंगे सम, ठीक है, ना ही इंट्रोगेटिव है। अब अर्थ भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी धन नहीं है तो तुम कुछ ATM से प्राप्त कर सकते हो, तो कुछ प्राप्त कर दो, सम अर्थ के आधार पर भी यहाँ पर सम आ रहा है और इसमें एनी आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, विल यू, देखिए विल से शुरुआत हो गई, मैंने कहा था कि अगर विल से शुरुआत हो जाए, वुड से शुरुआत हो जाए, कैन से, कुड से, तो एक तरह से रिक्वेस्ट ऑफर होते हैं। तो ये आप पहचान है जिससे आप समझ जाएंगे कि भले ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो भी हम उसमें सम लगाएंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, सम, क्या अर्थ निकल रहा है इसमें, कि क्या आप और चाय लेंगे, ये एक ऑफर हो गया, है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सम, भले ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो भी फिर हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे।
अगला देखिए देयर इज नॉट, देखो नॉट आ गया, एनी लगा दीजिए, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अब देखिए मैंने कुछ शब्दों की पहचान बताई थी कि अगर सेंटेंस में हार्डली आ जाए तो फिर एनी आएगा, बस एनी लगा दीजिए, क्या जाएगा इसमें, एनी आ जाएगा। एक और शब्द मैंने आपको बताया था कि देयर आर स्कर्सली, स्कर्सली आ गया, हार्डली आ जाए, स्कर्सली आ जाए, बेयरली आ जाए, ठीक है, विदाउट आ जाए, नेवर आ जाए, तो फिर आपको एनी लगाना है। तो इस वाले सेंटेंस में भी एनी आएगा, इस वाले सेंटेंस में भी एनी आएगा, क्योंकि इनके मतलब नकारात्मक जाते हैं इन शब्दों की वजह से। अब नकारात्मक में हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। आगे देखिए, सी हैज सम लेटर्स टू पोस्ट, देखिए पूरा सेंटेंस ही पॉजिटिव अफर्मेटिव है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम लगाएंगे सम, ठीक है। सी हैज सम लेटर्स टू पोस्ट, उसके पास कुछ लेटर है पोस्ट करने के। अब अगला देखिए, टेल मी इफ यू हैव, देखो मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस में इफ भी मौजूद हो और उसके बाद अगर खालिस्तान आ रहा है तो उसमें भी एनी आता है जनरली, ठीक है। तो हम इसमें कह रहे हैं कि कहो अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो, यदि तुम्हें कोई डाउट हो तो इसमें आ जाएगा एनी डाउट, ठीक है। आगे देखिए, देखिए फिर से विल आ गया, विल देखते से आप सम लगा दें, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है, कि क्या आप और चाह लेंगे। अगला है डिड यू गो, और फिर खालिस्तान है वेयर लास्ट नाइट, अगर आप परीक्षा बोर्ड के आंसर चेक करोगे तो वहाँ उसने सम दे रखा है, जबकि मैंने अभी आपको नियम बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरुआत हो रही है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब वाला, तो उसमें हम एनी लगाते हैं। तो मैं मान लो मैं यह कह रहा हूँ कि एनी वेयर लास्ट नाइट, कि क्या तुम पिछली रात कहीं गए थे क्या, ये इसका मतलब है। तो देखिए होता क्या है, कई बार सम भी आ जाता है, सम कब आता मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने किसी से पूछा कि तुम पिछली रात कहीं गए थे क्या, और आपके दिमाग में आंसर की उम्मीद हाँ है कि ये हाँ ही बोलेगा, आप ऐसा एक्सपेक्टेशन उससे कर रहे हैं, तो फिर आप सम लगाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ना कहेगा तो फिर आप एनी भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियों में ठीक है, एनी भी ठीक है और सम भी ठीक है। एनी इसलिए ठीक है क्योंकि ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो डिड के साथ एक हेल्पिंग वर्ब है जो इंट्रोगेटिव बना रही है, उसके साथ एनी आना चाहिए, तो ये भी सही है। और अगर सम वेयर है तो यानी कि सामने वाला हाँ के आंसर की उम्मीद कर रहा है, ठीक है। ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आगे देखिए, इसको भी देखिए, यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू कॉल, यहाँ तक इस सेंटेंस में कहीं पर भी ना तो इंट्रोगेटिव है और ना ही नेगेटिव है, इस कामा तक, तो हम इसमें सम लगा देंगे। तुम किसी के काल की उम्मीद कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तो आर नॉट तो बाद में उस समय कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ तक सेंटेंस पॉजिटिव था। आगे देखिए, शुरुआत में नॉट आ गया, हैवंट यू, तो एनी आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या तुमने इस महीने पैसे नहीं दिए, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, है ना। तो इस सेंटेंस में शुरुआत में नॉट आ चुका है, आपको एनी लगा देना है, ठीक है। डिडंट आई गिव यू, देखो इसमें नॉट भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी आ गया, इसमें एनी आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ यू हैवंट, फिर नॉट आ गया, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें एनी लगाना पड़ेगा। बाद वाले सेंटेंस को देखिए, ये ठीक है, इसमें कहीं पर भी नॉट नहीं है, इसमें सम आएगा, ठीक है। यू कैन गेट सम फ्रॉम द बैंक, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम बैंक से कुछ ले सकते हो। आगे देखिए, यू लुक एज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, देखिए ये भी वैसे इफ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें इसका अर्थ देखिए कि तुम ऐसा लग रहा है जैसे किसी के आने की उम्मीद कर रहे थे, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में ले रहा है, तो फिर समवन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव सेंस होता तो हम एनी लगाते, तो इसमें सम आएगा, ठीक है, सम आएगा इसमें। यू लुक एज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन, कि तुम किसी की उम्मीद कर रहे थे। इज, अब देखो फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, इसमें एनी लगा दीजिए। इज एनी फ्रेंड ऑफ योर्स कमिंग, कि क्या कोई तुम्हारा दोस्त आ रहा है क्या, ठीक है। तो पहले वाले में सम आएगा क्योंकि जो कहने वाला है वो सामने वालों को यही कह रहा है कि तुम किसी के आने की उम्मीद कर रहे थे, यानी कि पॉजिटिव सेंस है, तो सम आएगा। जबकि इफ मौजूद है, एनी आना था लेकिन सम आया, और बाद वाले में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर, देखिए ये पूरा सेंटेंस ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम सम लगा सकते हैं कि कुछ कीमती किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपका सम एनी वाला पार्ट करवा दिया, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।